सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब गए एक भी दम। ओके सो अभी आप लोगों ने जिस वाली वीडियो को प्रीव्यू पे देखा गाइज, आप लोगों ने कुछ इस टाइप की जो लिरिक्स वीडियो है अपने इंस्टाग्राम के अंदर तो देखा होगा। इस टाइप की जो वीडियो है ना, अभी के टाइम पे काफी सारे क्रिएटर्स अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करके अच्छा खासा अपने पेज को ग्रो कर ले रहे हैं। तो गाइज अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप की सेम लिरिक्स वीडियो बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आखिर कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की सेम वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हो। तो वीडियो में काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है, तो फटाफट से अभी से इस वीडियो को कर दो लाइक, एंड चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब यार, 50K के बहुत ही ज्यादा हम करीब हैं, तो भाई पहुंचा दो आप लोग। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने फोन की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपको अपना VPN कनेक्ट कर लेना है। VPN कनेक्ट करने के बाद आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन करके सिंपली से यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से टोटल 5 फोटोज सेलेक्ट करना है। तो चलो यहाँ पर मैं फटाफट से 5 फोटोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा 4 हुआ है और यहाँ से ये 5 कर लेते हैं, ठीक है। एंड 5 फोटो सेलेक्ट करने के बाद क्रिएटिव वीडियो पे अभी हम क्लिक कर देंगे। और जैसे क्रिएटिव वीडियो पर क्लिक करते हैं, अभी इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा एक रेटियो का ऑप्शन, ठीक है। तो रेटियो पे क्लिक करना और 9:16 जो हमारा इंस्टाग्राम का रील का साइज होता है वो साइज सेलेक्ट करके यहाँ से डन करना। डन करने के बाद इस पर क्लिक करना इमेज वाले लेयर पे, एंड दोनों फिंगर्स की मदद से आप अपने सारे फोटोज़ को सेट कर लेना, जो भी फोटो आपके सेट नहीं है, ठीक है, फुल स्क्रीन पे। तो कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारे सारे फोटोज सेट हो चुके हैं, ठीक है। अब गाइज हम ऐड करेंगे अपना ऑडियो। तो ऑडियो कैसे ऐड करना है, इसके लिए ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक कर देना है। और गाइज आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा यहाँ पर जिस वीडियो का ऑडियो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको भी क्या करना है, वहाँ से वीडियो को सेव करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लिक करके इम्पोर्ट साउंड ओनली पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज उस वीडियो का जो साउंड है वो एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब जब भी आप अपना सॉन्ग ऐड करते हो यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बीट लगाना होगा। देखो जितना अच्छे से बीट लगाओगे उतनी अच्छी आपकी जो वीडियो है वो एडिट होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर जो जिस म्यूजिक पर मैं बना रहा हूँ इस म्यूजिक पर बना रहे हो तो यहाँ पर मैं सेकंड बता देता हूँ कितने कितने सेकंड पे आपको लगाना है बीट, ठीक है। अगर आप अदर सॉन्ग पे बनाते हो तो आप अपने हिसाब से म्यूजिक को सुन के बीट लगा लेना। वैसे मैं अक्सर आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरा बीट भी मत लेना, वैसे तो मैं बता दूंगा कि इतने इतने सेकंड पे बीट लगाना है। आप अक्सर ना म्यूजिक को सुन के बीट लगाया करो, सुन के बीट लगाओगे तो आपका जो टाइमलाइन का जो आपका जो वो है लिरिक जो है वो अच्छे समय पे एंट्री होगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या होता है कि अगर मैं 3 सेकंड बता रहा हूँ तो जरूरी नहीं है यार कि 3 सेकंड वहीं पे है, ठीक है, आगे पीछे से भी थोड़ा सा मतलब होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी म्यूजिक ऐड करो, सॉरी म्यूजिक बोल रहा हूँ, हाँ म्यूजिक ऐड करो तो उसमें बीट लगाओ, ठीक है। मैं भूल जा रहा हूँ भाई, आज पता नहीं क्या हो गया मेरे को। तो चलो इतना हो चुका है, अभी हम बीट लगाते हैं। तो पहला बीट है हमारा 3rd में, और सॉरी पहला बीट है हमारा 3 सेकंड में, दूसरा बीट है हमारा 7 सेकंड में, तीसरा बीट है हमारा 10 सेकंड में, और चौथा बीट है हमारा 14 सेकंड में। तो पहला बीट हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से राइट 3 सेकंड में। तो इस पर क्लिक करेंगे, बीट पे क्लिक करेंगे, ऐड बीट, देन डन। अगला जो बीट है वो है हमारा 7 सेकंड में, तो कुछ इस तरीके से 7 सेकंड में आते हैं, बीट पे क्लिक करके ऐड बीट, देन डन। अगला जो बीट है वो है हमारा 10 सेकंड में, तो कुछ इस तरीके से 10 सेकंड में आते हैं, बीट पे क्लिक करेंगे, देन डन। अगला जो बीट है लास्ट वाला वो है हमारा 14 सेकंड में, तो राइट 14 सेकंड में आते हैं, कुछ इस तरीके से बीट पे क्लिक करेंगे एंड डन कर देंगे, ठीक है। इतना हो चुका है, देन यहाँ से हम इसको डन करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको म्यूजिक वाले लेयर्स के बीच में छोटे छोटे येल्लो कलर्स के डॉट दिख रहे होंगे, ये है हमारे बीट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अपने बीट के अकॉर्डिंग अपने सारे फोटोज को कुछ इस तरीके से सेट करना है। देखो पहला फोटो पहला बीट, ठीक है, दूसरा फोटो सेलेक्ट करेंगे एंड इसको ले जाएंगे दूसरे बीट के पास, ठीक है, एंड तीसरा जो फोटो है इसको हम ले जाएंगे तीसरे बीट के पास कुछ इस तरीके से, ठीक है, और जो चौथा बीट है इसको हम ले जाएंगे चौथे फोटो को यहाँ पे, और लास्ट वाला जो पांचवा बच जाता है इसको पूरा एंड तक रख देंगे कुछ इतना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हमने सारे फोटोज को बीट के हिसाब से सेट कर दिया है, ठीक है, इतना हो गया।
अब गाइज आपको क्या करना है, इन इमेज के बीच में एक आपको एक आइकन दिख रहा होगा बॉक्स वाला, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इफेक्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से इफेक्ट शो हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपका सेकेंड वाला इफेक्ट रहेगा ना ट्रेंडिंग के ऑप्शन पे ही, तो सेकेंड वाले इफेक्ट पर क्लिक करना और इसको कर देना इसको पूरा 1.8 सेकेंड, ठीक है, देन डन कर देना, सॉरी डन मत करना, इस पर फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको अप्लाई ऑल का ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हो नीचे, ठीक है। तो अप्लाई ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपके सारे फोटोज में ये ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इतना हो चुका है, लेकिन हमारे स्टार्टिंग वाले फोटो में भी तो ब्लर चाहिए ना, तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये चलो हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इफेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पर जैसे वीडियो इफेक्ट पर जाते हो तो ट्रेंडिंग के ऑप्शन पे ही रहना, फर्स्ट में आपको यहाँ पर एक ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, करने के बाद इसको डन करना, डन करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट का जो ऑप्शन है इस पर आके इसकी इंटेंसिटी को फुल कर देना, देन डन कर देना, ठीक है। अब इसको ना आपको ज़्यादा नहीं, हल्का सा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इसको ट्रिम कर देना है कुछ इतना। तो यहाँ पर अब देखो कुछ इस तरीके से हमारा स्टार्टिंग में भी ब्लर इफेक्ट आ गया और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा अब सारे इमेज में भी ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो गया वन क्लिक में, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था, ठीक है। अब गाइज आपको करना क्या है कि अब यहाँ से आपको ना इस एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेन आता है आपका लिरिक लिखने का बारी, तो लिरिक कैसे लिखना है, कौन सा एनिमेशन देना है, कौन कौन सा फॉन्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से और ध्यान से वीडियो को देखो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है गाइज कि सिंपली से यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक टेक्स्ट का ऑप्शन, टेक्स्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार लिरिक लिखना काफ़ी ज़्यादा टफ है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम खपत है यार, समझ रहे हो। लेकिन अभी मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप लोग उस तरीके से लिखते हो तो बहुत इजी स्टेप्स में आप लोग काफ़ी कम टाइम में अपने लिरिक्स को लिख पाओगे, ठीक है, लिख पाओगे, ठीक है ना। तो जैसे ही इतना हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो अभी हमारा जो स्टार्टिंग का जो लिरिक है वो है सच कह रहा, ठीक है, मतलब गाना है सच कह रहा तेरी कसम ऐसा करके है, ठीक है। मैं पूरा नहीं गाऊंगा, क्या पता भाई कॉपीराइट दे दे, ठीक है। तो सच कह रहा है स्टार्टिंग का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सच, ठीक है, कुछ इस तरीके। शुरू का जो रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, सच कह, कुछ इस तरीके से कह, ठीक है, सच कह रहा हम जो है उसको दूसरे फॉन्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम अलग से लिखेंगे, तो पहले सच कह इतना लिखेंगे, फॉन्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ गया भाई, क्लासिक टू दिख रहा है, क्लासिक टू पे क्लिक करना, ठीक है, और इसको छोटा करना कुछ इतना एंड इसको लाके यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जहाँ पे भी आप सेट करना चाहते हो, मैं सजेस्ट करूँगा नीचे ही रखना, अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है, इतने में ला के रखना। स्टाइल पर जाना, स्टाइल पर जाने के बाद यहाँ पर विंडो पे जाना, विंडो नहीं यार भाई, शैडो पे जाना, मैं क्या बोल रहा हूँ आज। तो शैडो पर जाने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर को इनेबल करके इसका जो ब्लर है ना इसको रख देना 15%, ठीक है, देन इसको यहाँ से कर देना डन, ठीक है, सॉरी डन नहीं करना है, फिर से जाना है, एडिट पे जाएंगे, ठीक है, डन मत करना जब तक एनिमेशन नहीं डाल लेना। तो अभी हम एनिमेशन पर आएंगे और एनिमेशन यहाँ पर कौन सा डालना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नीचे जाना है, यहाँ पर टाइप टू का एक एनिमेशन है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो टाइप टू एनिमेशन पर क्लिक करके और इसको कितना रखना है पता है आपको, 0.5 सेकेंड, ठीक है, देन डन कर देंगे एंड इसको हम ले जाएंगे जहाँ तक हमारा बीट है, यहाँ तक, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये हमारा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सच कह इतना हो गया, देखो यहाँ से हमारा पूरा फॉन्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो कह इतना आ गया, कह यहाँ, ठीक है, सच कह रहा आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड फॉन्ट पे, ऐड टेक्स्ट या फॉन्ट कह लो भाई, ठीक है, तो इस पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रहा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहा लिख देंगे। रहा लिखने के बाद फॉन्ट पर जाएंगे, माई फॉन्ट पर जाएंगे, वो वाला फॉन्ट तो आपको कैपकट में ही मिल जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, और ये वाला आप कैपकट में नहीं मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसको जूम करते हैं, जूम करने के बाद हल्का सा नीचे रखते हैं, थोड़ा सा आपने नीचे वाला जो फॉन्ट है उसके ऊपर ही रखना, तो थोड़ा सा मस्त लगेगा देखने में, कुछ इतना, ठीक है। इतना रखने के बाद अब आपको क्या करना है, स्टाइल पर आना है, स्टाइल पर आने के बाद इसको जो कलर देना चाहते हो दे देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं रेड कलर दे दे रहा हूँ। एनिमेशन पर आऊँगा और यहाँ पर वही सेम एनिमेशन देना है, यहाँ पर टाइप टू का, यहाँ पर देख सकते हो डन, इसको भी कितना रखना है 0.5 सेकेंड, देन इधर से भी, और इसकी जो लेंथ है कुछ इतना रख देंगे, ठीक है। तो अब बस
अगर आप बार बार यहाँ से आप लोग लिखोगे ठीक है, तो बार बार एनिमेशन डालना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो इससे आपका टाइम खपत होगा। तो यहाँ पर एकदम इजी स्टेप मैं तरीका बताने वाला हूँ, स्टेप का तरीका बताने वाला हूँ। इस पर क्लिक करना ठीक है, और इधर आना, कॉपी करना ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना ठीक है। इसकी जो लेंथ है आगे बीट तक रखना ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना और यहाँ आगे का लाइन लिख देना। एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं डालना है, सेम ऑटोमेटिक डला डलाया रहेगा ठीक है। तो इसी तरीके से काफ़ी इजी पड़ जाएगा आपको, मतलब अच्छे से आप लिख पाओगे ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तेरे ठीक है, कुछ इस तरीके से तेरे, तेरी तेरी नहीं यार, तेरे नहीं, तेरी लिखना है, तेरी कसम होगा ना, तो तेरी लिखेंगे और डन करेंगे ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हो, ये यहाँ से एनिमेट होगा तेरी यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तेरी अच्छे से दिखने लगता है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आएंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे कुछ इतने में। एंड इसकी भी जो लेंथ है, चलो यार लेंथ बाद में बना लेंगे, पहले एडिट पर जाते हैं और यहाँ लिखेंगे कसम ठीक है। तो यहाँ पर कसम पे पहले तो, अरे यार स्पेस भी फुल हो गया, तो कोई बात नहीं, कसम यहाँ लिखेंगे ठीक है, कसम कुछ इस तरीके से ठीक है। कसम लिख लिया हमने एंड अब स्टाइल पर आएंगे। अब यहाँ पर आपको सारे लिरिक में अलग अलग जो स्टाइलिश फॉन्ट देते हो वो देना ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको येलो रख देता हूँ, देन डन करूँगा। अब इसका यहाँ पर इसको हम सेट कर लेते हैं कुछ इतने में ठीक है। तो इसी तरीके से गाइज आपको अपने सारे लिरिक्स को सुन सुन के कुछ इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर आपको इसको प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो लिरिक हमारा लिखा चुका है। तो इसी तरीके से लिरिक लिख लेना है ठीक है। ओके तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो गाइज, मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हो लिरिक लिख लिया, यहाँ पर देख सकते हो ठीक है। अभी अगर मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो गाइज, हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रही है वीडियो यहाँ पर ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ की और कमी है इसमें वो मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले वीडियो देख लो किस तरीके से यहाँ पर हमारा लिरिक लिखा है। देख सकते हो मैंने अलग अलग कलर में यहाँ पर नीचे वाला लिरिक लिखा है, बहुत ही स्टैटिक सा लग रहा है ठीक है। अब सिंपल से क्या करना है कि आपको इस वीडियो को सबसे पहले एरो पे क्लिक करके इसको सेव करना है, और जैसे ही सेव हो जाता है उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। ओके तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो हमारी वीडियो सेव हो चुकी है। अभी हम सिंपल से डन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फिर से गाइज हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियोस पर आएंगे और जिस वीडियो को अभी हमने सेव किया है ना गाइज, उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर एड पे क्लिक करेंगे ठीक है। अभी यहाँ पर दोबारा से एड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी वीडियो में एनिमेशन यहाँ पर आपको डाल के दिखाऊंगा कितना मस्त लगेगा ठीक है। तो जैसे ही वीडियो एड कर लोगे यहाँ पर देख सकते हो सारे लेयर्स हमारे तो मर्ज हो गए एक ही वीडियो में। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इफेक्ट पर जाना है, वीडियो इफेक्ट पर चले जाना है ठीक है। जैसे ही वीडियो इफेक्ट पर जाओगे यहाँ पर ट्रेंडिंग के ऑप्शन पे आप लोगों को एक इफेक्ट खोजना है। यहाँ पर देखो रिपल डिट्रैक्शन 4th नंबर पे ठीक है, रिपल डिट्रैक्शन पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। ओके तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो लोडिंग कंप्लीट होकर यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लग चुका है। अभी हम सिंपल से इसको यहाँ से डन करेंगे, डन करने के बाद इसकी जो लेंथ है पूरा वीडियो के एंड तक ले जाएंगे ठीक है, जहाँ तक हमारा वीडियो है। और अभी यहाँ पर अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो वीडियो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर एनिमेट हो रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे, एडजस्ट पे जाएंगे और इसका जो शार्पन है ना गाइस, अगर आप बढ़ा दोगे तो अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा मतलब एस्थेटिक वाला फील आ जाएगा अगर आप शार्पन बढ़ा देते हो तो यहाँ से ठीक है। और इसका जो यहाँ पर स्पीड मिल जाएगा इसको आपको रखना है कितना पता है, इसको रखना है 5% ठीक है। देन यहाँ से इसको डन कर देना है। अब गाइज जो यहाँ पर आपकी वीडियो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। जैसा गाइज यहाँ पर आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर वीडियो एडिट करके दिखा दिया है। तो आपको भी गाइस कुछ इसी तरीके से एडिट करना है अपनी वीडियो को। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आए एडिटिंग में तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीचे ठीक है डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। आपका कॉमेंट का मैसेज का सबका जवाब मिलेगा भाई ठीक है, टेंशन मत लो ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग वीडियो बना सकते हो। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि मेरे भाई लोग अच्छी तरीके से समझ लें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। एंड कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना है, और मैंने कैसा समझाया ये भी बताना ठीक है। आज मैं थोड़ा सा मतलब मेरा कैसेट फंस रहा है ठीक है ना, मतलब मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं इग्नोर करो ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारी एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, सिंपल से इस पर क्लिक करना, इसको 1080p 30fps हाई क्वालिटी और इस सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो हमारी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि कमेंट करके मेरे को बता देना। एंड अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। बाकी हम मिलते हैं किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए गाइस जय हिंद
जय भारत।